पूर्व में जब प्रधानमंत्री होते थे जाते हैं, वो एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां कम पैसे में एमबीबीएस होती है। अगर एक भी बच्चे को देखा होगा जिस तरीके से हमारे बेटा बेटी तिरंगा झंडा हाथ में लेके भारत माता की जय बोलते हुए दोनों देश के बीच से निकल के आए, ऐसी स्थिति के अंदर मैं सैनिक हूं, मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है। कभी दो पड़ोसी की भी अगर लड़ाई है तो उस लड़ाई 2 मिनट नहीं रुक सकती। और वहां एक दिन के लिए जब तक हमारे लोग नहीं निकले, हमारे बच्चे नहीं आए, जब तक लड़ाई रुकी रही और यहां तक पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा झंडा हाथ में लेके हिंदुस्तान की जय बोलते हुए निकले। मैं मेरी माताओं से पूछना चाहता हूं, मेरे सामने बैठी है, अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के देखो, काश हमारा भाई भी होता उसके बीच में, हमारी बहन होती उसके बीच में, तो हमारे ऊपर क्या गुजरती। तो देश के लिए इतना बड़ा काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री को मैं नमन करता हूं। और दूसरी तरफ आप लोग देखते होंगे परिवार है, बाबा बालकनाथ का कोई परिवार है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का कोई परिवार है, उनका कोई परिवार है, तो हम सब परिवार है। उमेद भाई जैसे, मेरे जैसे और मेरे सामने बैठे जैसे भाई उनका परिवार है।